जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे कीमती, अनमोल उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल ग्रहों को शांत करने, मजबूत करने के लिए किया जाता है। आप कैसी भी परेशानियों में, कैसी भी दुविधा में हैं, कैसे भी यदि धन की बहुत कमी हो गई है, कोई ऐसा असाध्य बीमारी हो गई, कोई सी भी परेशानियाँ हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बहुत ही सहज बना सकते हैं। सुख समृद्धि कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, और सेहत अच्छी कौन नहीं चाहता, ये भी सभी चाहते हैं। आप कुछ उपाय यदि करते हैं और घर की में रखी हुई वस्तुओं से, घर में रखी हुई चीज़ों से यदि आप कर लेते हैं, जैसे अब देवउठनी 11 से विवाह शुरू हो जाएंगे, शादियाँ शुरू हो जाएंगी, और जब जो भी बाबुल अपनी बेटी को विदा करता है, चाहता है कि मेरी बेटी सदा सुखी रहे, अपने ससुराल में वही सुख भोगे जो उसकी कल्पना में है। इसलिए यदि ससुराल जाते समय बेटियों को थोड़ा सा जीरा थोड़ी छोटी सी पोटली में बनाकर और उसके सामानों के साथ रख दिया जाए और फिर विदा किया जाए, ऐसा माना जाता है, इससे बेटी को ससुराल में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, हमेशा सुख समृद्धि उसके साथ रहती है। क्योंकि जीरा एक ऐसी वस्तु है जिसे पैसे के लिए, धन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा जीरे के छोटे छोटे उपाय करने से बहुत ही शीघ्र होती है। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ। आप जय माँ लक्ष्मी अपने कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। अब यदि 10 उपाय बताए गए हैं उसमें से एक उपाय भी करते हैं तो आपको उतना फ़ायदा तो हो ही जाता है जितना आपके लिए आवश्यक है। शुक्रवार के दिन रात्रि के समय करना है। जो माता लक्ष्मी के आप उपाय करते हैं हमेशा रात के समय ही किया जाता है, शाम से रात्रि तक का समय माता लक्ष्मी का होता है। और अभी वह सब दिन चल रहे हैं, जैसे पहले 9 दुर्गे आए, फिर दशहरा, अब दीपावली आने वाली है, ये सारे दिन बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए। तो आज का दिन भी शुक्रवार है, इस समय नहीं कर पाए तो आप अगले शुक्रवार को कर सकते हैं, नहीं तो आप दीपावली के दिन, चाहे शुक्रवार को पड़े या नहीं पड़े, लेकिन दीपावली के दिन भी उपाय कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने, आप अपने घर में ही कर सकते हैं ये उपाय। लाल वस्त्र बिछाएं, छोटा सा एक रुमाल समान वस्त्र, लेकिन कोरा होना चाहिए। अब इस पर थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच जीरा रखें, और कुछ सिक्के, 1-2 सिक्के, 1 रुपये के, 10 रुपये के, जो चाहें आप रख सकते हैं, रखें। माता लक्ष्मी को अगरबत्ती से धूप दीप दें, उसके बाद इस जीरे को और पैसे को, जो सिक्का आपने रखा है उसी रुमाल में बांध लें, और उस स्थान पर रख दें जहाँ आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और यह उपाय आप अभी नहीं कर पाते हैं, शुक्रवार के दिन नहीं कर पाते हैं, अगले शुक्रवार भी कर सकते हैं, यदि नहीं कर पाते हैं उसमें भी नहीं कर पाते हैं तो दीपावली के दिन यह कार्य धन की वृद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, आता तो बराबर है लेकिन टिकता नहीं है, कोई अनावश्यक खर्चे, कोई गलत आदतों में आपके परिवार का व्यक्ति पड़ जाए और अनावश्यक खर्चे करे, या बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कुछ ऐसे कारण सामने आ जाते हैं कि पैसा खर्च होता ही होता है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं, टोटका कर सकते हैं, जीरे का ही है। शुक्रवार के दिन आप एक कपड़े में थोड़ा सा जीरा मान लें, और मंदिर में यदि आपके आसपास माता लक्ष्मी का मंदिर है तो आप वहाँ समर्पित कर सकते हैं, और नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। और दूसरे दिन आप किसी वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे उस जीरे को डाली आएँ, और जड़ की तरफ ही डालना है, वृक्ष में, पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, इन चारों वृक्षों के में से किसी भी वृक्ष के नीचे आप ये जीरा छिड़काव कर दें, डाल दें, और जड़, यदि थोड़ी सी जड़ दिख रही है तो जड़ में थोड़ा सा जीरा, जितना आपने लिया उसमें 4-5 दाने जड़ में डाल दें बस, और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं।
यह कार्य भी कहते हैं, ये कार्य को करते से ही तुरंत आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत होने होती दिखाई देने लगती है। आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं धीरे 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 कम होते जाते हैं। यह उपाय हर क्षेत्र में कामयाबी भी दिलाता है। यदि आप ये जीरा रख लेते हैं और आपका बच्चा कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई यदि विवाह आपके घर में विवाह योग्य बच्चे हैं और नहीं जम पा रहा, जमते जमते रह जाता है, उस समय आप कहीं बात करने जा रहे हैं तो ये जीरा साथ में रख के ले जाइए और आने के बाद इसे आप वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। एक बार ही उपयोग में लेना है, इसको बार बार आप रख कर उपयोग में नहीं ले सकते हैं। एक कार्य हो गया, उसके बाद इसे आपको वृक्ष के नीचे डालना होगा। तो जिस कार्य के लिए आप इस जीरे को लेकर निकलेंगे, आप मानकर चलिए उसमें सफलता ही मिलनी है। आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिविटी में ही आएगा। यह बहुत अचूक उपाय है और इसे जिसने भी किया है फायदा ही पाया है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है, हम करने जाते हैं अच्छा और हो जाता है बुरा। कोई ऐसी शक्ति जो हमें सफलता की जगह असफलता की तरफ मोड़ देती है। हम किसी से बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, अचानक रिश्तों में दूरी बन जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में क्लेश शुरू हो जाते हैं, बीमारियाँ, एक ठीक हुआ नहीं दूसरी बीमारी शुरू हो गई, दूसरा ठीक हुआ नहीं तीसरी बीमारी शुरू हो गई, कोई ना कोई, कहने का मतलब कोई ना कोई परेशानी। अच्छी भली नौकरी चल रही थी और किसी जरा सी छोटी सी बात से नौकरी छूट गई, बिजनेस अच्छा चल रहा था, कारोबार धीरे धीरे ठप होता होता बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया। ये सारी समस्याएं तब आती हैं जब आपके पास पास कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई गलत आत्मा आ जाती है, तब आपके साथ हमेशा बुरा ही बुरा होता है। कई बार अपनों की हाय भी अपनों को खा जाती है। यदि आप बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे तबके के हैं और एकदम से प्रोग्रेस की है, या आपके बच्चे कोई बहुत ही अच्छा करियर बना लिए, या अच्छे घर में संबंध हो गया, यानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपनों को ही खलने लगती है और ऐसे में हाय लग जाती है, अपनों की हाय जल्दी लगती है। इस बात को, मेरी बात को अच्छे से समझिए कि बाहर का व्यक्ति आप पर हाय नहीं लगाता, इसलिए नहीं लगाता, उससे उसको आपसे मतलब ही नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, लेकिन अपनों को बहुत जल्दी कष्ट होता है। आपके सुख में तो सुखी होते होंगे कि नहीं, लेकिन आपके सुख से दुखी अवश्य होते हैं। इसलिए यदि ऐसा कुछ लगता है आपको कि मैं कोई मुझे हाय लग गई, नज़र लग गई है, या कोई नकारात्मक शक्ति मेरे आसपास है, तो आप जीरे के कुछ दाने अपने ऊपर से लेकर सात बार घुमाएं, एंटी क्लॉक वाइज आपको घुमाना है, और इसे घुमाकर अग्नि में आपको ऐसे डालना है कि गैस पर नहीं रखना है, छोटी सी कंडी लगाएं, उस पर ये जीरे रखें और फिर उसके बाद आप देखें। ऐसा करने से जो भी आपके आसपास की नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन बहुत ही सटीक उपाय है। इससे बहुत ही जल्दी आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। आप कर देखिए, लेकिन विश्वास के साथ, बिना विश्वास के आप कितना भी कोई उपाय कर लें, इतनी जल्दी आप पर कोई फल नहीं प्राप्त होता। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।